एक विद्यार्थी करमजीत बराड़ वालों एक रिक्वेस्ट सी कि सर जी इंग्लिश पैसेज सॉल्व करन लई कोई वीडियो बनाओ। मैं पिछे जो टेट बेसिक कोर्स है असी देखते हाँ लर्न टू एक्चुअलाइज जाके जो तो देखते हाँ टेट बेसिक कोर्स है इसकी फुल प्लेलिस्ट जो देखोगे इन्हों दिनों विच तुसी ये बहुत ब्रीफ जो बनाए गए हैं नुक्ते जिन्हों के आधार पर तुसी घट ज्ञान जा ना ज्ञान तो तुसी सही आंसर तक पहुँच सकते हाँ। अज की प्रॉब्लम साढ़े को है कि इंग्लिश के पैसेज 2023 जोड़े आए हैं बहुत लंबे आए तो नॉर्मली एवरेज तो ज़्यादा जो विद्यार्थी से उन्होंने फेलियर फेस किया मतलब कि 15 के 5, 6, 4 एने के करीब अंक आए। दूसरा कि टाइम वधेरे लगा इस दी गल करदा हाँ। इस टेट बेसिक कोर्स विच ये कुछ एक नुक्ते दिते गए हैं ऑल ऑफ अबव नन ऑफ द अबव है ना क्रम बनाउणा ऑड मैन आउट ए बी सी डी दे टैग वर्ड है टैग वर्ड तो सही क्वेश्चन नूं तुसीं पहचान सकते हो। सो मैं इस वीडियो च की चक रहा हाँ पहला तो मैं डिस्कस कर रहा मैं यही नुकत्या नूं बहुत ही संखेप विच पैरे जो पिछे आ चुके ने इंग्लिश दे उन्हां ते अप्लाई करके ये देखना है कि सॉल्व होंदे ने। एक्चुअल विच जदों ही यह मैसेज पढ़िया मेरा एक स्टूडेंट कोल सी ते मैं क्या ये पेपर कढ़िया ते मैं ये नुकते अप्लाई करके सॉल्व किया रिजल्ट तुसीं देख लईओ टाइम कि बचिया और उस तो बाद रिजल्ट कैसा रहा। साढ़े को एमसीक्यू क्वेश्चन असी जानते हाँ कि 15 एमसीक्यू क्वेश्चन ने नॉर्मली 15 क्वेश्चन सॉल्व करने लिए साढ़े 15 मिनट लगने चाहिए हैं। जो तो रीडिंग पैसेज आता है तो वह नॉर्मली 3 गुना टाइम ज्यादा ले लेंदा है। दूसरा रिजल्ट की रहा है रिजल्ट यह रहा है कि 15 दे विच्चों 4, 5, 6, 7 तक क्वेश्चन ठीक होंदे हन। जे 8, 9 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तुसी 3 गुना टाइम ज़्यादा लिया है इट मीनस तुसी नुकसान विच हो। गल ये है कि तुसी बाकी 10-15 क्वेश्चन का गला घुट के उन्हों का टाइम खा के इन्ने अंक प्राप्त किए हैं। ये नालों बैटर है कि अंक थोड़े ले जान पर टाइम ज़्यादा बचा लिया जाए ता जो जेड़े थोड़ी कॉमन सेंस या रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो सकते सी उन्होंने सॉल्व किया जा सके। सो रिजल्ट इस नूं मैं पुअर गिनता हाँ। हाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सेव नहीं हुंदा कंज्यूम हुंदा है। सो असी इस पैसेज नूं चक रहे हाँ साडे कोल जेड़ा 2023 विच पेपर हो चुका है पी एस टैट का। सो पैरा है बहुत लंबा है मेरे सामने विशाली बैठी है लड़की जिसको राइट आंसर है मैं सिर्फ तुहाडे सामने ये डेमोस्ट्रेट कर रहा हाँ कि जो जदों मेरे सामने अज तो 2-3 घंटे पहला हुण तो 2-3 घंटे पहला ये पैसेज आया तो मैं सॉल्व किए मैं वो टैक्नीक्स किदां अप्लाई की सिर्फ वो टैक्नीक सीख लो। हाँ ये टैक्नीक्स से एक गल याद रखनी है कि सब तो पहला राइट आंसर जो नॉलेज है वो अप्लाई करनी है उस तो बाद रीजनिंग ते ए मैथड अप्लाई करने हैं। मैं नाल नाल डेमोस्ट्रेट करांगा इसनों कोगनेटिव मॉडलिंग मैथड कहते हैं जो मेरे ब्रेन च चल रहा है मैं तुहाडे सामने रखांगा। सो पहला क्वेश्चन है मैं पैरा कोई नहीं पढ़िया उस नाल की होया टाइम बचा लिया जिहड़ी टैक्नीक नूं लैके नाल चल रहे हाँ। सो पहला क्वेश्चन है मेरे कोल हाउ अकॉर्डिंग टू पैसेज डेमोक्रेसी कैन बी प्रिजर्वड। मेरे कोल ऑप्शन है बाय मेकिंग गुड लीडर्स बाय changing principles by having an effective opposition with the help of good teachers. So थोड़ी कॉमन सेंस मैं अप्लाई करके देखिया कि ये दो एप्लीकेबल नहीं हैं। जे मेरे को होर टाइम घट हों वैसे मैं इस तरह सॉल्व नहीं सी कीता मैं की कीता सी मैं क्या इसका राइट आंसर लोंग टेल सी होएगा। विशाली इसका राइट आंसर दस्यो केड़ा है सी सी इज राइट आंसर। दो नुक्ते अप्लाई किए एक तो जेड़ियाँ प्रोबेबली रीजनिंग ना गलत लगदियाँ हैं बाय चेंजिंग प्रिंसीपल गुड टीचर्स ने डेमोक्रेसी दे नाल सीधा संबंध नहीं है क्योंकि ये सिटीजनशिप है दैट इज़ वाई वो बेस से मैं इसको क्रॉस करता। जे उस तो बाद मेरे को दो ऑप्शन बनिया और दो ऑप्शन चो मैं केड़ी केड़ा नुक्ता अप्लाई किया लोंग टेल इमीडिएट टिक कर दिता। जेकर मैं ये रीजनिंग भी नहीं अप्लाई करनी टोटल तुहाडे को 5-7 मिनट बचे है मैं कुछ नहीं देखांगा मैं लोंग टेल नू ही प्रैफर करांगा। फर्स्ट क्वेश्चन जेड़ा मैं तुक्का लगाया है थोड़ी जी रीजनिंग तो वो ठीक हो गया है। सैकेंड क्वेश्चन देखते हाँ वर्चू ऑफ लिबर्टी मीनस हैविंग ए गुड परसनैलिटी
मेरे आइडिया तो पूरा नहीं उतरिया, डूइंग डिबेट मेरे आइडिया तो वैसे पूरा नहीं उतरिया, हैविंग फ्री विल मैनू कुछ नहीं पता इसका, टॉलरेटिंग एरर टू सर्व द ट्रुथ मेरे कोई नुकता नहीं है, टाइम कट है, मैं सी नू जल्दी नाल ऑप्ट कर लिया, थोड़ा जहा वीक परसेंट रीजनिंग ने मैनू दस्या कि ये नहीं हो सकते लेकिन मैं श्योर नहीं हाँ, फिर मैं जल्दी जल्दी सी ऑप्ट कर लिया। विशाली राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, अगेन गैस वर्क नाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है मेरे को वैन अकॉर्डिंग टू पैसेज फ्रीडम विल बिकम ए रियलिटी वैन मैन वॉयस एंड एग्जामिन देअर ओपीनियन, नंबर एक, वैन वी हैव ए गुड गवर्नमेंट, वैन वी कैन डू वट एवर वी वांट, नन ऑफ दीस। मैं किन्ने नुकते इस सॉल्व करने अपनाए, बहुत घट टाइम है तो मैं जल्दी इस ऑप्ट करूँगा, पर मैं तुम्हें दूजा नुकता पहला दसदा है, नन ऑफ दीज न मैं लगभग 95% वैसे 100% कह रहा 95% रिजेक्ट करांगा, मतलब ए राइट आंसर नहीं होएगा। मेरे को तीन बच्चियां जल्दी जल्दी मैं थोड़ा जहा रीजन किया, वैन वी हैव ए गुड गवर्नमेंट फ्रीडम विल विकेटी थोड़ा जहा टिकलांगा, ये ठीक हो सकता है, इन्हें कंपेयर करांगा, वैन वी कैन डू वट एवर वी वांट जदों असी जो चाहिए वो कर सकीए वो अराजकता होएगी, बिल्कुल रोंग आंसर। इन्हों दोनों चो मैं एक चुनागा, मैं लोंग टेल नू प्रैफर कर लिया, थोड़ी जी रीजनिंग अप्लाई की बाद विच जां हाँ फोकस करके, वैन मैन वॉयस एंड एग्जामिन देयर ओपीनियन बहुत लॉजिकल भी बन रहा है। विशाली 93 दा ए इज राइट आंसर, बिना पैरा पढ़े तीन क्वेश्चन सॉल्व हो चुके ने। नैक्सट क्वेश्चन देखते हाँ, इसनू रब करांगे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th, द डैश लाइफ इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन। हुन जिहड़ा नुक्ता अगे जाके भी मैं दसना है, इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी जिहड़ी तुसी भाषा वाले हो उस ते इस वीडियो नू फोकस करना है, इत्थे ऑप्शन वन वर्ड है, वन वर्ड अगे जाके इस नू समझन विच सौख होएगी, वन वर्ड है, वन वर्ड है, वन वर्ड है, इट मीनस लोंग टेल वाला फार्मूला इत्थे बिल्कुल अप्लाई नहीं होएगा, नन ऑफ दीज नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, इत्थे मैं ऑड मैन आउट नू जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करांगा। मैं पढ़िया डैश लाइफ इज अनफिट नैगेटिव है, टू बी लिव्ड बाय मैन, सिविलाइज पॉजिटिव है, लिबरल पॉजिटिव टर्म है, डेमोक्रेसी पॉजिटिव टर्म है, अनएग्जामिंड नैगेटिव टर्म है। मैं इसनों राइट लैके चल रहा हाँ अपने वालों, और अन नाल अन मिल भी रहा है थोड़ा या दूसरी रिलेशन ये देखिया। विशाली इन्हों दे विचों 94 चो केड़ा ठीक है, बी इज राइट आंसर, कैसे लग रहा है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हाँ, क्योंकि मैं अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहता सी पर मैनू अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं ये दसना चाहता हाँ कि बुरे क्वेश्चन बनते हैं, तो बुरे क्वेश्चन जेडे बैड क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने स्ट्रैटेजीज के नाल ही सॉल्व किया जा सकता है, जिहड़ा एक्चुअल विच एजुकेशन च नहीं होना चाहिए, पर मजबूर है किया जा रहा कि यह एनालिसिस करके, क्योंकि जेडे वे टॉपर भी होए हैं उन्होंने भी वह भी दसते हैं 10-20% तक असी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, सो इस तो बिना तो ही सक्सैस हासिल नहीं कर सकते, टाइम नहीं बचा सकते। नैक्सट है 95th, द एंड इज टू फाइंड द ट्रुथ, वट काइंड ऑफ नाउन इज ट्रुथ, केड़ा है सच, मैं एकदम आ रहा है मेरे के मैं उसनू देख नहीं सकता, मेरे को ऑप्शन है एबस्ट्रैक्ट कंक्रीट प्रॉपर काउंटेबल, एक मेरे को प्रिंसिपल है कि जो एबस्ट्रैक्ट ते क्राउंट जो दो विरोधी ऑप्शन हैं, ये दो विरोधी ऑप्शन हैं, इंग्लिश लिख ला ओपोजिट ऑप्शन हैं, है ना, ओपोजिट ऑप्शन हैं, तो मैं जल्दी जल्दी फोकस किया कि ये सही आंसर नहीं होएगा, मैं इतने फोकस करा। वैसे लॉजिकली तुसी इस राइट आंसर ते पैरा पड़े बिना ही इतने पहुँच सकते हो, ट्रुथ इसनू ना देखा जा सकता है अखां दे नाल, ना इनू कन्नां दे नाल सुनिया जा सकता है, ना ही इसनू टच किया जा सकता है हथ दे नाल, मतलब ज्ञान इंद्रिया नाल सच नू नहीं देखा जा सकता, इट मीनस ये कंक्रीट नहीं है,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਛੂਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਦੱਸਿਓ, ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 96 ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਵਰਡ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡ ਸੇਵੇਜ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸਦਾ ਜੰਗਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਨਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਰਬਰਿਕ ਵੀ ਜੰਗਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੀਅਰਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਬਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਜ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵੈਸੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਵਰਡ ਕਲੋਜੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਵਰਡ ਵੈਂਟ, ਵੀ ਈ ਐਨ ਟੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਈ ਐਨ ਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਬੈਰੀਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕੰਸੀਲ, ਰਿਵੀਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੰਸੀਲ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹਨ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹਨ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਨੋਰਮਲੀ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਡ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਕੰਸੀਲ ਹੈ, ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਪਰੈਸ, ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟੇਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਟੂ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਔਡ ਲੱਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਟਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਿਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੈਨ ਬੀ ਫੋਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਰਡ ਮੈਨ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਵੂਮੈਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੈਨਲੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ 100%। ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਸੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰਨਾ ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਕੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ ਮੇਨ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਸਾਇੰਸ ਮੇਨ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਵਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੈਸੇਜ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਗੋਡਸ ਲਾਈਕ ਪਾਵਰ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਵਨ ਵਰਡ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਜਿਕ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਜਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ। ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਡ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਓਪਰੇਟਸ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
कि मैं पहली 2 घंटे पहला जो इस जिस तरह सॉल्व किया तो सामने उस तरह रख रहा हाँ, सिर्फ विशाली की मदद लै रहा हाँ कि नाल मैं फीडबैक दे, तुम पता लगे कि मैं सॉल्व किदा कर रहा हाँ। हाउ मशीन्स हैव बिकम, यही करना ना विशाली, हाँ हाउ मशीन्स हैव बिकम अवर मास्टर। मेरे को ऑप्शन है नंबर 1, मशीन आर कॉस्टली इसलिए मास्टर बन गए, लॉजिक बहुत पुअर है, कॉस्टली बहुत पुअर लॉजिक है, वी आर ओवर डिपेंडेंट ओवर, हाँ ओवर डिपेंडेंट सच लगता है, मैं इसको थोड़ा टिक कर रहा हाँ। और सी है मशीन्स डिमांड मेंटेनेंस, बहुत छोटी गल है, वेरी नैरो, इसनों रिजेक्ट ही लगभग कर रहा हाँ, ये भी नो रिजेक्ट हो रहा है। मशीन्स आर हार्ड टू मैनेज, इदा की गल नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। इस तो बाद मैं ये देखा कि मेरे को जिहड़ियां वधिया ऑप्शन ये बचदिया हैं, इन्हों दे विच्चों मैं बी नू राइट आंसर लोंग टेल के आधार पर चुन लिया। वैसे मेरा लॉजिक साफ कह रहा है कि असी ओवर डिपेंडेंट हो गए हाँ, ये जो मोबाइल भी कंप्यूटर भी एक मशीन है, असी साइकिल ते नहीं स्कूटर ते चलते हाँ, ये जिहड़ियां चीज़ां एग्जाम्पल मेरे सामने आईया उस नाल बिना पैरा पड़े मैं इस नू चूज़ किया, गलत हो सकता है। विशाली केड़ा राइट आंसर है, बी इज अगेन राइट आंसर, ये अतकथनी नहीं है, सच है। मैं नहीं कहना कि सारे तुसी सॉल्व कर लोगे, लेकिन हाँ प्रोबेबली थोड़े बैटर जरूर कर सकते हो। वाई मशीन्स आर स्टर्न मास्टर, मैंने स्टर्न का मीनिंग नहीं पता हाँ, मेरे ख्याल 10th विच एक करी पढ़िया सी, एक शायद कठोर, बिकॉज दे डिमांड केयर एंड राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल। अच्छा मैं मेरी नज़र एकदम पई नन ऑफ दीज ते, तो नन ऑफ दीज नू मैं मोस्टली रिजेक्ट कर रहा हाँ, टाइम मेरे को घट है, 95% मैं इनू रिजेक्ट कर रहा हाँ, इसलिए ये मैं ध्यान ही नहीं दिता। बिकॉज दे आर कॉम्प्लीकेटड, मशीनज आर स्टर्न कॉम्प्लीकेटड ने, बिकॉज दे आर मैन मेड, वाई मशीनज आर स्टर्न मास्टर, कठोर मास्टर क्यों ने, मेरी रीजनिंग कम नहीं कर रही, इन्हें ये मैं जल्दी न लोंग टेल नू चूज़ कर लिया। विशाली राइट आंसर, ए राइट आंसर हो गया भी, ए भी हो गया, क्या करे। नेक्स्ट है, हाँ जी 102, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर कैन बी डन विद द टाइम विच मशीन हैव सेव फॉर अस, मशीन ने जिहड़ा टाइम साडे लिए बचाया है यार, उस लिए की हो सकता है, फॉर टेकिंग केयर ऑफ मशीन, जिहड़े मशीन ने टाइम दिता है सानू बचाया है, वो नैचुरली है, असी ह्यूमन ते लगावांगे फिर मशीन ते लगाई जावांगे, वेरी नैरो। फॉर बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड, ए कॉम्प्रीहेंसिव है पर मैं क्लियर नहीं हाँ क्योंकि मैं पैरा नहीं पढ़िया, क्वेश्चन मार्क। फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये ठीक हो सकता है मेरे मुताबिक। फॉर गोइंग टू वोकेशन, नैरो है, नैरो है, नैरो है, वोकेशन सिर्फ वोकेशन ते जाने लई सारियां मशीनां नहीं, ये रिजेक्ट हो रही हैं। मेरे को 2 ऑप्शन बचिया हैं, फॉर बिकमिंग मोर सिविलाइज्ड, क्योंकि ये पैरा सिविलाइजेशन नाल है, थोड़ा जहा प्रेफरेंस ये वाल है, पर मैं लोंग टेल वाल जावांगा, मैं इन्हों चो एक नू चूज करांगा, पर राइट आंसर इतने मैं नहीं है पता लग रहा, अलिया बतलिया भी कर सकता हाँ, इन्हों चो फॉर स्पेंडिंग मोर टाइम विद फ्रेंड्स, ये नालों लोंग टेल नालों आ थोड़ा जहा रीजनिंग ज़्यादा डोमीनेट कर रही है कि ज़्यादा होएगा, इन्हों चो एक चूज करांगा। राइट आंसर विशाली की है, बी राइट आंसर है, जे मैं लोंग टेल इतने चुनदा तां इतने मेरा लोंग टेल गलत होना सी, एनी प्रोबेबिलिटी है, जो सच है वही पेश कर रहा हाँ। सो रीजनिंग बेस से जा पैरा दी थोड़ी जी स्कीमिंग की है तुसी उदे बेस से ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है, वट विल हैपन टू मशीन इफ दे आर नॉट लुकड आफ्टर वैल, अच्छा की होएगा, दे विल ग्रो सल्की, मैं कुछ नहीं पता इसका, दे विल स्टॉप वर्किंग, जे उस देखभाल ना की जाए तो की होएगा, ऑल ऑफ द अबव मेरे को दिस पिया मैं बड़ा लालची हाँ, जो मेरे को टाइम घट हों मैं ऑल ऑफ नू बड़ी जल्दी टिक करता हाँ, पर पहला रीजनिंग देख लवा, ग्रो सल्की, सल्की का मैं मीनिंग नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं इतों क्लीयर, दे विल स्टॉप वर्किंग हाँ, खराब हो सकती हाँ, ये तो गल ठीक है, इस टिक लगा रहा, चूज दे विल स्प्रैड डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड, मैनू नहीं, मेरी रीजनिंग काम नहीं कर रही, मैनू लगता है ठीक है, इन्हों दोनों चो एक चुनागा, पर मैं ज़्यादा जिड्डा वड्डा टिक लगा लगा हाँ, मैं ऑल ऑफ अबव नू ज़्यादा चूज कर रहा हाँ। विशाली राइट आंसर इज
डी इज अगेन राइट आंसर. नैक्सट इज साढ़े को चूज द सिनोनिमस समान अर्थी जिदे अर्थ मिलते जुलते हैं फॉर वर्ल्ड सल्की एज यूज इन पैसेज. सानू पता ही नहीं पैसेज की होया है. अच्छा सिल्की देखो देखो नुक्ता की है जेदा जेड़ा शब्द है उदे तो नाल मिलदा उदा उदे कपड़े पहनाते सारे सिर्फ आई यू दी जगह आई पाता इसलिए मैं इनू रिजेक्ट कर रहा हाँ. ये नहीं हो सकता क्योंकि सिनोनिमस उसका अर्थ वल लभना आया. हुण मेरे को तीन ऑप्शन बनिया इल टेंपर्ड चीरफुल एम्बीलियर. हुण मेरे कोल चीरफुल का मतलब मैनू पता है शायद खुशी वाला चीयर्स करते होंगे शायद उदे नाल मैं बिल्कुल गलत हो सकता. इल टेंपर्ड एमिनल मैनू मीन नहीं पता. इल टेंपर्ड ते चील आपस च ओपोजिट दिखाई दे रहे मैनू ओपोजिट ओपोजिट. मैं इसनों रिजेक्ट करके इन्हों दोनों चो एक चूज कर रहा हाँ. थोड़ा जहा बायस हो रहा जे लोंग टेल लिए पर वन या टू वर्ड लिए लोंग टेल दा लुक तो नहीं अपलाई करता. शायद मैं चीरफुल नू चूज कर लाँ जा इल नू. विशाली को राइट आंसर पूछते हैं. सी इज राइट आंसर. सो रीजनिंग ना ये मैं क्यों कह रहा दो जो रिजेक्ट हो गए दो रिजेक्ट हो गए तो सक्सैस दीजिए अगर तुक्का लगाने हैं उसकी 50% संभावना बढ़ जाती है. इन्नी संभावना बढ़ जाती है मतलब जो दो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर दे तो एक मिनिमम हर हालत ठीक होएगा. सिलेक्ट द ओपोजिट ओपोजिट मैं सर्कल कर लिया. वर्ड ऑफ स्टर्न स्टर्न का मतलब वैसे मैं कठोर पता सी पर इतने देखते दे हाँ होर तरीके नाल भी सॉल्व करके जे मीनिंग पता है. अनफ्रेंडली का सानू सारियां मतलब पता है नैगेटिव टर्म है ना. जेनियल का मैनू नहीं पता. ग्रिम का भी नहीं मैनू पता. सीरीयस का पता है ये स्टर्ना मिलती जुलती है. हाँ हाँ ये मेरा कोई तुक्का नहीं लग रहा मेरे ख्याल च. ये दो मैनू आपस मिलते दिखाई दे रहे हैं सिमिलर. जिथे सिमिलर मीनिंग हन ओ राइट आंसर नहीं हुंदा. ये मेरा प्रिंसिपल है जिहड़ा मैं मानता हाँ जिहड़ा मैनू एनालिसिस चो प्राप्त होया. मैं इन्हां दोनों चो एक राइट आंसर चुनांगा. वो कोई भी चुन सकता हाँ मैनू कुछ भी नहीं पता तुक्के नाल प्योर तुक्के नाल कोई रीजनिंग नहीं है. विशाली राइट आंसर इज बी इज राइट आंसर. सो इतने तक मैं पहुंचया नहीं हाँ इतने मैं 50% तक होया है क्योंकि ऑड मैन आउट चो दो आउट ऑड कर दते हैं. अच्छा द मशीन आर वेरी स्टर्न मास्टर. इन द अबव सेंटेंस वट इज़ वेरी वेरी की है. मेरे ख्याल इंग्लिश की नॉलेज है सानू वोकैबलरी की तो फिर मेरे ख्याल ठीक हो सकता है. वेरी बहुत नाउन पक्का नहीं है क्योंकि मैनू एग्जाम्पल याद है बॉय गर्ल टैंपल है ना इदा की चीज़ नहीं है. वेरी वर्ब किरिया नहीं हो रही. ये दो रिजेक्ट हो गए ने इन्हों दोनों चो. मैनू ज़्यादा नॉलेज नहीं है जहाँ एडजेक्टिव है जहाँ एडवर्ब है. थोड़ा जहा एडवर्ब वल जा रहा पर मैनू नहीं है. 50% से मैं छड़ रहा हाँ इन्हों चो एक चुन लाँगा. विशाली राइट आंसर डी इज राइट आंसर. इतने मैं ज़्यादा एडजेक्टिव वल जा सकता सी पर 50% डिलीशन हो गई. 50% प्रोबेबिलिटी वध गई. नैक्सट है साढ़े को डैश डैश इज रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमीनेंस विद विच सिलेबस ऑफ वन वर्ड प्रोनाउंस. मेरे ख्याल पहरे वाले खत्म हो गए ने. पहरे वाले क्वेश्चन खत्म हो गए ने. मैं तुम्हें कंक्लूजन करदा कि मैं किस तरह अप्लाई किए वो फंडामेंटल्स की ने जो ये नुक्ते अप्लाई किए हैं इंग्लिश पैसेज या कोई होर पैसेज सॉल्व करने. ऑल ऑफ द अबव बोथ नन ऑफ दीज जो एनालिसिस किया वो तुहाडे सामने रख लगा. लोंग टेल और ऑड मैन आउट ये स्ट्रैटेजीज़ नू अपला के इस तो इलावा मैं इतने दिखा दिना हाँ इस तो इलावा रीजनिंग सब तो पहला यूज़ की है. जदों मेरे कोल ऑल ऑफ द अबव जां बोथ अबव आंदा है तो मैं प्रैफर करदा हाँ सब तो पहला प्रैफर करदा. फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन है मेरे को वन वर्ड वाली आ रही उत्थे लोंग टेल अप्लाई नहीं होएगा यह पता लग गया. टू टेल वाली तो थोड़ा जहा अपलाई 30-40% अप्लाई हो सकता इस तो वध नहीं. ओके उत्थे मैं कर सकता जिथे लोंग टेल आ गया नंबर एक लंबी पूछ वाला आ गया और उदे विच दूसरा ऑल ऑफ द अबव है तां मैं ऑल ऑफ द अबव नू राइट आंसर दे तौर ते चूज़ करांगा. ठीक
जे मेरे को लोंग टेल वाला भी दिख रहा है, लोंग टेल किसनू कह रहे हैं जिस विच दो या तीन या इस तो ज्यादा शब्द हैं, वो लोंग टेल पता लग सकती है, किसी विच तीन, किसी चार, किसी दो, चार वाला वड्डा दिख रहा उसनू राइट आंसर चुनते हैं। पर जे लोंग टेल दे नाल नाल ऑल ऑफ द अबव ते बोथ अबव है तो राइट आंसर पिछे ए सी, ए नुक्ता पक्का दिखाई दे रहा है जिन्हें एनालिसिस मैं कीते है। जे ऑल ऑफ द अबव नहीं है, बोथ नहीं है, तो रीजनिंग कम नहीं करती, तो लोंग नू मैं चूज कर रहा। इस तो इलावा जेडे वन वर्ड वाले ए वाले क्वेश्चन है, ए वाले क्वेश्चन इन्हों कि सॉल्व किया जाता है जहाँ मैं थोड़े सामने किया है, इसे लिए मैनू बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मिली है वह ऑड मैन आउट मिली है। जिनी नॉलेज थोड़े को प्रीवियस नॉलेज है, कलर बदल लीए इसका, जिनी थोड़े को प्रीवियस नॉलेज है पीके है उसनू शब्दों की नॉलेज नू ए देख के किड़े मिसमैच करते हैं। ऑड मैन आउट विच कोई तीन शब्द पॉजिटिव हैं, एक नैगेटिव हैं, नैगेटिव वाला राइट आंसर होएगा, एक तीन नैगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला राइट आंसर होएगा। हाँ जे दो विरोधी हैं ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर थ्री आपस में ओपोजिट हैं तो इन राइट आंसर इन दोनों चो ही एक होएगा, है ना। दो सिमिलर हैं, वन अटे फोर इन दे मीनिंग सिमिलर हैं, इन्हों मैं रिजैक्ट करता हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली रोंग आंसर होंगे। ये नुक्ते ने मेरे मुताबक इंग्लिश पैसेज का जो एनालिसिस किया इस दे रिगार्डिंग कोई होर इसनों तुसी पंजाबी ते भी कर सकते हो, दूसरियां ते भी अप्लाई कर सकते हो, पर मतलब थोड़ी एक्सरसाइज तुहानू करनी पेगी, वीडियो नू दोबारा देख के समझना पेगा जो पिछले क्वेश्चन है उसनू अपने अनुसार कि तुसी जे उह क्वेश्चन नू पढ़ो, वीडियो नू पॉज कर लो, तुसी किस तरह सोच सी वो एक्सरसाइज जरूर करो। सॉरी विशाली नू मिला दें, ये वीडियो विच मेरा कल्ले दा योगदान नहीं है, फीडबैक लिए मैंने विशाली चाहिए सी। विशाली है, विशाली कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं। मैं विशाली का थैंक यू करता हूँ, सॉरी पंजाबी विच धन्यवाद करता हाँ, सो आप जी का भी धन्यवाद करता हाँ। देखो जो असी एनालिसिस कर रहे सी तां विशाली मेरे नाल सी और विशाली नाइन्थ क्लास च है हुण तो ही, वो ट्रेनिंग उसनू मिल रही है कि उदों ही नाल उन्होंने दसिया कि सानू भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन्होंने दसिया कि इस तरह राइट आंसर हो सकता है। उन्होंने ये ट्रेनिंग उत्थे अपलाई होएगी नैचुरली है, 10-20% मार्क्स उन्होंने भी वन बढ़ जाएंगे। सो विशाली का भी शुक्रिया, तुहाडा भी शुक्रिया। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह एंड विशाली, थैंक यू।